बड़ी खबर कानपुर से। बीजेपी नगर अध्यक्ष और दारोगा के बीच नोकझोंक की तस्वीर। परिवार के साथ वोट डालने गए थे नगर अध्यक्ष, मतदान स्थल से रोते हुए बाहर निकली बीजेपी नेता की पत्नी। काका देवभूत का मामला, तो नोकझोंक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई, बीजेपी नगर अध्यक्ष और दारोगा के बीच नोकझोंक हुई है। परिवार के साथ वोट डालने गए थे नगर अध्यक्ष, मतदान स्थल से रोते हुए बाहर निकली बीजेपी नेता की पत्नी। काका देवभूत का ये पूरा मामला, तो बड़ी खबर है ये, और इसके साथ साथ इस पर नजर भी लगातार बनी हुई है। वहीं चौथे चरण के लिए यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे, तीन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से चौथे चरण का रण है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बहराइच में क्या हालात है। वहीं कानपुर का भी यहां पर नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकतंत्र के पर्व की शानदार तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां बहराइच में लोग पारंपरिक अंदाज में नजर आए हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में मतदान को लेकर के दिव्यांग उत्साहित दिखाई दिए हैं। वहीं कानपुर को लेकर अगर बता दें तो कानपुर में गर्भवती महिला ने मतदान करने के लिए अपनी डिलीवरी डेट भी बढ़वा ली है। तो ये भी देखिए किस तरीके से यहां पर उत्साह है, अलग ही यहां पर अंदाज देखने को मिल रहा है, अलग अलग अंदाज में चौथे चरण में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं नीलम गुरवे, जो कि मध्यप्रदेश का हाल वो बता रही है। राहुल नवास हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र सिंह लगातार बने हुए हैं और श्याम कानपुर को लेकर तस्वीर हर एक दिखा रहे हैं। राहुल हैदराबाद में है, हैदराबाद की चर्चा जोर शोर से हो रही है, अभी तक हो रही है। अभी जिस तरीके से एक बयान भी चलाया माधवी लता या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से बयानबाजी हुई, चाहे नवनीत राणा हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर माधवी लता हो, इनकी वजह से जो ज्वार है वो बढ़ेगा, वो वोटिंग परसेंटेज में नजर आएगा, लेकिन वोटिंग टर्नआउट अभी तक उतना नहीं हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, सबसे कम तेलंगाना की 17 सीटों में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हैदराबाद का है, 5% के आसपास, और जो ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, उसकी भी ऐसी हालत है। हैदराबाद की बात करें, यहां पर 7 विधानसभा में से 6 पर MIM के विधायक है और जो एक बीजेपी की सीट है वहां पर वोटिंग टर्नआउट लगभग 2.25% के आसपास है। हमारे साथ राजकिरण जी भी, हमारे स्थानीय संवाददाता है। भाई, जिस तरीके से ये वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है, आप क्या देखते हैं, वोटिंग टर्नआउट कम होने का फायदा किसको लगता है और ये कितना और आगे जा सकता है, कितना और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब तो गर्मी का टाइम भी आ जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। जी राहुल जी, यहाँ पर देखा गया तो हैदराबाद में अभी तक सिर्फ 5.4% की वोटिंग यहाँ पर हुई है, जहां पर सबसे कम गोशामाइल जो एरिया है, जो राजा सिंह बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर 2.4% का वोटिंग अभी तक हुआ है। देखा गया तो दूसरी जगह कंपेरेटिवली गोशामाइल से दूसरी जगह तकरीबन कई जगह 4%, 3% इस तरह से हुआ है। और हमने ग्राउंड लेवल पे जब देखा है, ग्राउंड लेवल पे ज्यादातर मुस्लिम जो वोटर्स है ज्यादातर पोलिंग बूथ में दिख रहे हैं, हिंदू वोटर्स बहुत कम दिख रहे हैं। बहुत कड़ी मेहनत की है माधवी लता यहां पर हिंदू को पोलराइज या पर पोलराइजेशन, जैसा आपने देखा है कि माधवी लता एक तरफ दूसरी तरफ ओवैसी, मगर यहां पर हिंदू वोटर्स अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। बहुत पूरे ओवरऑल तेलंगाना की एक बार बात कर ली जाए तो पटना साहिब में पीएम मोदी या किस तरीके से लंगर वो वितरण कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अक्सर ऐसे सामने आती है, इससे पहले जिस तरीके से वो कानपुर पहुंचे थे, वहां भी वो पीएम मोदी जो कि गुरुद्वारे पहुंचे थे, पटना साहिब गुरुद्वारा में पीएम मोदी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लंगर वितरण करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर। हालांकि राहुल हैदराबाद को लेकर, चूंकि वहां स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, धीरेन्द्र सर का रुख करते हैं। धीरेन्द्र सर, हालांकि राहुल नवास के बाद आप ही के पास आना चाह रहे थे हैदराबाद की बात करने के लिए, क्योंकि देखा जाए चुनाव के दौरान तीर वाला एक्शन, फिर 15 मिनट 15 सेकेंड वाली बात, 1 घंटे वाली बात, ये मतलब हैदराबाद सीट काफी हॉट सीट और पूरे देश की भी नजर है। देखिए, हैदराबाद एक ऐसी सीट है जो पहली बार माधवी लता के आने के बाद इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई कि देश की अगर हम लोग पहली 10 सीटें बनाएंगे जिनका रिजल्ट देखना चाहते हैं लोग, तो उसमें हैदराबाद शामिल होगी। वरना इससे पहले तो ये सीट 1984 से तो डायरेक्ट इसी फैमिली के पास है,
ओवैसी, इनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी, इनके अब इसके बाद फिर ओवैसी फैमिली है। और अगर इसको बहुत पहले से देखें तो 67 से सीट पर उनका आसपास के इलाकों में, यहां जो 6 विधानसभा सीटें हैं जिसको हमारे सहयोगी राहुल बता रहे थे, उनमें से ज्यादातर बहुत लंबे समय से उसके पास है, AIMIM के पास है, और वहां बड़ा सॉलिड वोट बैंक है उनका। और चूंकि ये सीट अल्पसंख्यक बाहुल्य भी है, अगर इन तमाम सीटों पर देखें, सिर्फ एक सीट जो गोशा महल है जिसको राजा बाबू सिंह जीतता है, टी राजा सिंह जो जीतते हैं, लगातार उसको लेकर शुरू से कहा जा रहा है कि माधवी लता को जो स्थानीय बीजेपी लीडरशिप है वो उतनी ताकत के साथ उसके साथ जुटी हुई नहीं है, वो कम से कम दिख रहा है। क्योंकि गोशा महल से जहां से AIMIM की तमाम ताकत के बावजूद भी हरा नहीं पाए वो टी राजा सिंह को, वहां से अगर वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, अगर मैं उसको देखता हूं, चाहे वो कारण आपको यूपी जैसा ही दिखाई दे, जब वहां कि वहां जीत के लिए बहुत ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं है, जीत का अंतर बढ़ाने की बात है, क्योंकि माधवी लता ने इस लड़ाई को दिलचस्प जरूर बनाया है, लेकिन लड़ाई में वो सामने ओवैसी को हराने की स्थिति में हो ऐसा आंकड़े नहीं बताते, क्योंकि आंकड़े हर बार सच नहीं होते, जनता उनको कभी भी बदल सकती है। लेकिन हम अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर तो यही कह रहे हैं, क्योंकि जो एक सीट है जहां से आपको जीत के निकलना, हालांकि चंद्रायन गट्टा जैसी सीटें भी हैं जहां से ओवैसी का भाई जीतते हैं, और कई सारी सीटें हैं उनका, चूंकि जब उनको परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में ये और ज्यादा मजबूती के साथ ओवैसी के खेमे में गई ये सीट, तो मुझे लगता है कि ओवैसी के लिए। और एक बात और है, अगर आप देखेंगे डाटा तो ओवैसी का जो जीत का अंतर है, जो परसेंटेज ऑफ वोट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हुआ। जब वो पहली बार अपने पिता की जगह लड़े थे तब वो जरूर कम था। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि माधवी लता अपनी चुनौती को आगे कैसे लेके जाती है। लेकिन मैंने देखा जी किशन रेड्डी या फिर बंडी संजय या फिर आप राजा सिंह, इन लोगों को आपने बहुत ताकत के साथ उन इलाकों में प्रचार करते हुए नहीं देखा, जिस तरह से माधवी लता अपनी ताकत और अपनी वाक्पटुता के लिए जो पूरे देश के मीडिया पर एक बार छा गई और लोगों के बीच में उनके नाम की चर्चा आ गई, तो ये एक बड़ी बात थी। अब ये देखते हैं कि दिलचस्प होगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, और वहां वोटिंग परसेंटेज का कोई भी आप बहुत आसानी से उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे 4 जून तक, क्योंकि वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है जो हैदराबाद का है, जो हैदराबाद सदर है, जो चार मीनार जहां है वहां से लेके, और जब तक ये सिकंदराबाद तक सीट आती है तो वहां ज्यादातर वही इलाका है जिसको ओल्ड हैदराबाद कहा जाता है, जिसको निजाम का इलाका कहा जाता है, तो वहां मुस्लिम बाहुल्य है, वहां कितना लड़ पाएंगे। और लेकिन भाग्यनगर की जो सीट है, जिसको भाग्यनगर बनाना है और जिस भाग्य देवी का मंदिर है, वो वहां AIM का ताकतवर गढ़ है और इसी पर लड़ रही है माधवी लता, इसको भाग्यनगर बदलने ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल धीरेन सर, और आपने अपना आकलन बताया, अपना विश्लेषण बताया हैदराबाद सीट को लेकर के। लगातार श्याम भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते एक बार, कानपुर सीट में इस वक्त जानकारी दे रहे कानपुर सीट को लेकर के वो। श्याम, अपडेट दीजिएगा वोटिंग को लेकर के, क्या अपडेट है, और साथ ही साथ यहां का जो समीकरण है, रमेश अवस्थी यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी है, नया चेहरा लेकर बीजेपी आई है, टक्कर कैसी BSP और समाजवादी पार्टी से मिल रही है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी डाउन है। सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया, जो उम्मीद की जा रही थी, उससे काफी डाउन वोटिंग परसेंटेज है, और इसको लेकर के तमाम तरीके के आकलन भी किए जा रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो रमेश अवस्थी को चुनाव लड़ाया गया कानपुर से, तो ऐसे में क्योंकि तमाम दावेदार कानपुर से थे, वो अपना अपना दावा ठोक रहे थे, और रमेश अवस्थी अब चुनाव मैदान पर आए तो उसके बाद लोगों में विरोध देखने को मिला। इसी विरोध की वजह से कई बार जो बड़े नेता है बीजेपी को, उनको बीच में आना पड़ा और कहीं ना कहीं जो पार्टी में एकजुटता का मैसेज देने का करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट कम है, तो इसको देख करके लग रहा है कि जो नेता थे बीजेपी के वो पूरे जी जान से नहीं जुटे। यही वजह है कि जो शहरी वोटर है वो काफी कम मात्रा में घर से बाहर निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ के समीकरण की बात की जाए, तो क्योंकि कानपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती है, इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है, और सपा पूरी ताकत से कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही है। जो अल्पसंख्यक क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जो
अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो रैली हुई थी उसका काफी असर देखने को मिला और वहां पर वोटर टर्नआउट काफी अच्छा देखने को भी मिला है। ऐसे में एक समीकरण और काफी अहम बन जाता है क्योंकि कानपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो कुब्ज ब्राह्मण एक सीट पर आमने सामने लड़ रहे हों। दोनों ही कानपुर के ब्राह्मण हैं, चाहे रमेश अवस्थी की बात कर ली जाए, चाहे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी बात कर ली जाए, वो दोनों कानपुर के ब्राह्मण हैं। ऐसे में जो ब्राह्मण वोटर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर कानपुर में ब्राह्मण है और वो काफी निर्णायक स्थिति में रहता है, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि ये वोटर भटेगा और ये जो वोटर भटेगा। ठीक है, सीएम योगी आ चुकी है बाराबंकी में।